नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा। मुंबई हमलों के एक साल के बाद इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया है। एफबीआई की गिरफ्त में आए लश्कर का आतंकी हेडली 26/11 से जुड़े कई अहम जानकारियां दे रहा है, लिहाजा मुंबई पुलिस और एनआईए मिलकर हेडली और राणा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी, ताकि हेडली और राणा के ऊपर मुंबई में भी मामला चलाया जा सके। राणा और हेडली के तार ढूंढते हुए भारत आई एफबीआई की टीम ने एनआईए और आईबी के लोगों से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो अब मुंबई पुलिस और एनआईए मिलकर हेडली और राणा के खिलाफ एक महीने के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेंगे। भारत को दहला देने वाले मुंबई हमले को लेकर डिप्टी चीफ ऑफ अमेरिकन मिशन सी वॉइट ने भारत के गृह सचिव जी के पिल्ले से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी और भारतीय रक्षा टीमों ने एक दूसरे से जानकारियां भी बांटी। सूत्रों की माने तो भारत का मकसद सिर्फ 26/11 की साजिश का पता लगाना ही नहीं है, अब कोशिश ये भी हो रही है कि आगे की साजिशों के बारे में भी पता लगाया जाए। खबरों के मुताबिक हेडली के अगले निशाने पुष्कर और लखनऊ भी थे। सूत्रों की माने तो भारतीय एजेंसी अब इस कोशिश में है कि चाहे तो राणा और हेडली का प्रत्यर्पण हो जाए या फिर पूछताछ की इजाजत मिल जाए। एफबीआई से 26/11 में हेडली और राणा की भूमिका के सबूत मिलने के बाद अब भारत की दिलचस्पी ये पता लगाने में है कि आने वाले दिनों में इन आतंकियों के मंसूबे आखिर क्या थे, और जांच की इसी दिशा में अब भारत कदम बढ़ा रहा है। रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।